सभी को नमस्ते। तो हम लोग सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस पर डिस्कशन कर रहे थे, तो ये दिखाई देता है कि तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो है कि शरीर से मिलने वाली संवेदना, बट उसमें दिखता है कि यदि उससे मैं सुखी होने जाता हूँ तो ना तो उसमें निश्चितता है, ना निरंतरता है, ना कोई तृप्ति बिंदु है, बाहर पे निर्भरता है और मैं परतंत्र रहता हूँ। दूसरा है सही भाव, उसमें भी दो प्रकार से हो सकता है। जब मैं दूसरे से सही भाव पाने की आशा रखता हूँ और उससे मैं सुखी होने का प्रयास करता हूँ तो उसमें भी यही बातें लागू होती हैं, ना निश्चितता है, ना निरंतरता है, दूसरे पर निर्भरता है, कोई तृप्ति बिंदु भी नहीं है, परतंत्रता है। बट यदि मैं सही भाव को स्वयं में सुनिश्चित करने जाता हूँ तो उसमें निश्चितता दिखाई देती है, निरंतरता दिखाई देती है, और मैं कहीं बाहर पर निर्भर नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, उसका तृप्ति बिंदु भी है। सही भाव जब मेरे चिंतन में आता है तो उसका तृप्ति बिंदु भी दिखाई देता है कि हाँ ये पूरा हुआ, जिस भाव का चिंतन हुआ वह भाव मेरे में स्थापित हुआ, उसकी तृप्ति मेरे अंदर बनी रहती है। और जो तीसरा स्रोत है सही समझ, सही समझ स्वयं में स्थापित होता है तो उसमें भी निश्चितता होती है, निरंतरता होती है, आश्वस्ति होती है, तृप्ति बिंदु दिखाई देता है, स्वतंत्र होता हूं मैं। तो अभी हमारे लिए देखने की बात है, तो अगर हम अपने जीने का आकलन करें तो पाएंगे कि कभी तो हम स्वयं में सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे होते हैं, और कभी हम बाहर से कुछ पाकर सुखी होने के लिए भी प्रयास कर रहे होते हैं, और इसी में एक लाइफ में दोलन चलता रहता है। अवेयरनेस जैसे से हमारी बढ़ती है वैसे ये जो बाहर की ओर भागना है सुख के लिए उससे हम निकल पाते हैं और स्वयं में सुनिश्चित करने में हम प्रयासरत हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं इसमें। तो जब स्वयं में हम सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करने जाते हैं, है ना, और उसके साथ फिर मुझे संवेदना का भी सही रोल क्या है ये दिखाई देता है, दूसरे का जो व्यवहार है उसका सही रोल क्या है मेरे जीने में भी दिखाई देता है। तो शरीर से जो संवेदना आ रही है उससे मैं सुविधा का आकलन कर पाता हूँ, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सब से जो मुझे सूचना मिलती है उससे मैं तय कर पाता हूँ कि जो भी मैं सुविधा का प्रयोग कर रहा हूँ तो मेरे शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में है कि नहीं। तो भोजन है उसके गंध से रूप से रंग से, है ना, इन सब चीजों से मुझे पता चलता है कि ये भोजन जो है शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में है कि नहीं। कपड़ा जो मैं पहन रहा हूँ, सुविधाओं का जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, और दूसरा कि इसका मैं सदुपयोग करता हूँ सुविधाओं का अपने व्यवहार में दूसरे तक सही भाव पहुंचाने के लिए, दूसरे में ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए कि नहीं, मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए, मानवीय परंपरा के लिए मैं इनका सदुपयोग करता हूँ। तो ज्ञान के बाद भी मैं सुविधा का प्रयोग तो कर रहा हूँ परंतु दृष्टि बदल गई है, जहां मैं पहले इससे सुख पाने में लगा हुआ था उसके स्थान पर अब मैं इनका सदुपयोग करता हूँ दूसरों के ज्ञान के लिए, समाधान के लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने साधन जो शरीर है उसको बनाए रखने के लिए। वैसे ही जो जहां मैं अभी दूसरे से कुछ सही भाव पाकर कुछ अच्छा पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहा था, अब उसके स्थान पर दूसरे के व्यवहार को देखकर दूसरे की समझ का मैं आकलन करता हूँ और फिर मैं अपनी पूरकता को देख पाता हूँ। यदि दूसरा मेरी ओर ध्यान दे पा रहा है, मेरी सही बातों की ओर ध्यान दे पा रहा है, यानी कि उसका संस्कार इस प्रकार का है कि वो समझ सकता है, तो फिर मैं उसमें समझ को बढ़ाने के लिए, समझ को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता हूँ। अगर कोई अभी इस बात को नहीं ध्यान दे पा रहा, नहीं सुन पा रहा, तो मुझे दिखता है कि अभी इसकी इतनी तैयारी नहीं है, तो उसके साथ मुझे क्या योजना कार्यक्रम बनाना है ताकि संबंध में आश्वस्त रहे और जब भी अनुकूलता बनती है समझ पाए। इस रूप में मैं अपनी भागीदारी को देख पाता हूँ, तो दूसरे का मूल्यांकन कर पाता हूँ और संबंध में अपनी उस व्यक्ति के साथ भागीदारी को देख पाता हूँ। तो जहां मैं दूसरे के व्यवहार से सुखी दुखी हो रहा था, अब मैं स्वयं में सुखी हूँ, दूसरे के व्यवहार से दूसरे के समझ और भाव का आकलन करता हूँ और फिर उसमें पूर्णता के लिए कार्यक्रम बना पाता हूँ। ये भी मामला आप देखें तो शिफ्ट हो गया है ना, अब मैं स्वतंत्र हो गया, मेरे अंदर करुणा का भाव बना हुआ है, प्रेम का भाव बना हुआ है, उसके साथ मैं हर मानव के साथ निर्वाह कर रहा हूँ और स्वयं में ज्ञान के साथ मैं तृप्त तो बना ही रहता हूँ, निरंतर सुख स्थिति में रहता हूँ। तो ज्ञान के बाद ऐसा नहीं होगा कि सुविधा छूट जाएगी या शरीर छूट जाएगा, बल्कि इनका मैं सदुपयोग कर पाऊंगा। संवेदनाएं तब भी मुझ तक पहुंचेंगी, उनका मैं सदुपयोग कर पाऊंगा, और जो संवेदनाओं के लिए चयन करूंगा उसका आधार बदल जाएगा, तो उसका आधार सुख पाना नहीं होगा परंतु ये जो शरीर एक साधन के रूप में है इसका सदुपयोग करना होगा, है ना। जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो
उनका सदुपयोग करना होगा। मानव लक्ष्य के अर्थ में, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, मानवीय परंपरा के अर्थ में ये शिफ्टिंग होती है। अभी हम भी देखना शुरू करें तो अभी हमारे में शिफ्टिंग होनी शुरू हो गई होगी, कई सारे मसलों में, कई सारे मुद्दों में हमको ये दिखाई दे रहा होगा कि हाँ ये शिफ्टिंग हो पा रही है कि नहीं। लगता है पहले दूसरे के भाव से या दूसरे के व्यवहार से जहाँ हम सुखी दुखी होने का प्रयास करते थे या सुखी होने का प्रयास करते थे और दुखी हो जाते थे, उसके स्थान पर अब मैं दूसरे के व्यवहार को देखकर दूसरे का आकलन कर पाता हूँ और उसके सुख के अर्थ में योजना बना पाता हूँ अप्रभावित रहते हुए। ये हो पा रहा है कि नहीं, पहले से बेहतर हो पा रहा है कि नहीं, इसको शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। एक इम्पोर्टेंट बात है ये, पहले दूसरे ने थोड़ी तारीफ कर दी, हम गदगद हो गए, थोड़ी आलोचना कर दी, मुंह लटक गया, दूसरे ने हमारे बारे में कोई तीखी बात कह दी, डिप्रेस हो गए, है ना, उस व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव हो गया, उसने हमारे लिए कोई बहुत अप्रिशिएटिव वर्ड कह दिया, कोई बहुत तारीफ की बात कह दी, है ना, हमें श्रेष्ठ कह दिया और हम उछल पड़े। ये जो उतार चढ़ाव था अपने जीने में, अपने भाव विचार में, उससे अब हम निकल पा रहे होंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। और मजे की बात देखिए कि दूसरे के व्यवहार से सुखी होने के लिए अभी हम जितना समय लगाते, प्रयास लगाते, सुविधा जुटाते, पैसा कमाते, है ना, उसके लिए इतना दुख भोगते संबंधों में, उतने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने ऊपर ध्यान दिया हम निकल गए। ज्ञान का मामला ऐसा ही है, सारा मामला ध्यान देने का है। आप पाएंगे कि ज्ञान के लिए हमको बाहर बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो शरीर के रख रखाव के लिए जितना जरूरी है, संबंधों के निर्वाह के लिए जितना जरूरी है, उतना हमने पूरा कर दिया, बाकी काम तो स्वयं पे ही होना है। जी बढ़िया भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। अभी अगर देखें तो प्रिवेलिंग नोशंस क्या है सुख पाने के, उसका आउटकम क्या है। खैर, अभी मतलब आप सबों के साथ बात करते हुए ये बातें अब उतनी लागू नहीं होंगी, है ना, क्योंकि आप लोगों ने गति कर ली है, काफी ध्यान दे रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी आप पाएंगे कि इसका प्रभाव तो बना रहता है जब तक कि हमारे चिंतन बोध अनुभव में जागृति न हो जाए। तो सोर्सेस ऑफ टेम्पररी हैप्पीनेस अगर देखें तो क्या है, तो जैसे कोई सुविधा कमा लें, सुविधा संग्रह कर लें, सुविधा का भोग कर लें, तो एक तो केंद्र में सुविधा बना रहता है, और आप पाएंगे कि सुविधा बराबर सुख ऐसा मान के चल रहे थे। काफी संभावना है कि इस पूरे कंटेंट से परिचित होने के पहले हम सुविधा को ही सुख मानते थे, है ना, तो अगर सुविधा को सुख मान लिया और सुख हर क्षण चाहते हैं, तो उसी सुविधा को अधिक से अधिक कमा लेना, जमा कर लेना, और उससे हम सुखी हो जाएंगे ऐसी आशा रखना। अब दिखता है कि सुविधा तो मनुष्य के लिए आवश्यक है परंतु संपूर्ण नहीं है, उसकी एक आवश्यकता की सीमा है। वैसे ही कोई अनुकूल संवेदना पाकर सुखी नहीं लगे हुए थे, उसके लिए भी देखें तो कितना सारा कुछ चल रहा है अभी समाज में। आप देखें तो कल भी जो बात हुई थी कि एक बार शरीर के पोषण संरक्षण के लिए पर्याप्त सुविधा हो जाती है, ठीक, किसी रूप में वो कन्वे भी हो जाता है कि हाँ पर्याप्त हो गया, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे। फिर उसी सुविधा में कुछ ना कुछ करके हम अनुकूल संवेदना जुटाने में लगे रहते हैं, जिस चीज को भोग करके पहले सुखी होने में लगे हुए थे, भोग नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए एक आशा बनी हुई थी कि अगर एक बार इसको भोग कर लिया तो शायद सुखी हो जाएंगे। अब उसको भोग करके भी देख लिया, अभी भी निरंतरता नहीं है, तो फिर नए नए तरीके निकालते हैं भोग करने के, परंतु फिर भी आपको दिखाई देगा कि इसमें निरंतरता नहीं है, तृप्ति नहीं है। और स्थिति पहुंच कर यदि मनुष्य को आगे का रास्ता न दिखाई दे तो एक विक्षिप्त सी स्थिति हो जाती है, करें तो क्या करें। अभी एक न्यूज आया था कि किसी बच्चे की सैलरी है करोड़ में है और वो कह रहा मैं सुखी नहीं हो पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे क्लियर नहीं है, ये कई जगह सोशल मीडिया पे फ्लैश कर रहा था। तो दिखाई देगा कि जो भी शरीर से मिलने वाली संवेदना है वो आवश्यक और रुचिकर लगती है शुरू में, और एक समय के बाद असहनीय हो जाती है। वैसे ही दूसरों से कुछ भाव पाने के लिए जो आशा बनी रहती है, तो इसमें क्या होता है, कभी हम एक्साइटेड होते हैं, कभी डिप्रेस होते हैं, अनुकूल हो गया एक्साइटेड हो गए, प्रतिकूल हो गया डिप्रेस हो गए, और ये सब चलता रहता है। तो संग्रह के लिए, संवेदना से सुख पाने के लिए, दूसरे से कुछ अच्छा सुनने के लिए, ध्यान पाने के लिए हम बहुत सारे योजना कार्यक्रम बनाते हैं। अब जब इसको करके तृप्ति नहीं मिलती तो क्या करें, तो फिर उस अनहैप्पीनेस से एस्केप करने का प्रयास करते हैं,
और उसमें भी क्या करें, अल्टीमेटली उपलब्धि के रूप में सुविधा ही है, तो उसी सुविधा में कुछ करते हैं। तो ज्यादा भोजन लेना, ज्यादा सोना, नशा करना, है ना, विक्षिप्त ऐसे हो गया कि वायलेंस करना। अभी देखिए, अभी अमेरिका में हर हफ्ते लगभग कहीं ना कहीं से न्यूज आ जाता है कि कोई शॉपिंग मॉल में बंदूक चला दिया, कोई स्कूल में घुस के बंदूक चला दिया, है ना, और क्राइम बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं। परिवार में संबंधों का अगर सुख ना हो, स्वयं में ज्ञान का सुख ना हो, और सुविधाएं हम जमा करते जाएं, तो ये स्थिति बनने ही वाली है। ये धीरे धीरे हमारे देश में भी अब दिखाई देने लगा है। तो इस तरह के क्राइम्स, इस तरह के वायलेंस, अभी हर हफ्ते जो न्यूज आती है ना, किसी का मर्डर कर दिया, कई टुकड़े कर दिए, और आदि आदि, जो सुनने में बहुत विभत्स लगता है, कल्पनातीत लगता है कि कोई ऐसा भी क्यों करेगा, ऐसा कैसे कर सकता है, बट उस तरह का वायलेंस बढ़ता जा रहा है। और इंटेंशन उनका भी गलत नहीं है, बेसिकली सुखी होना चाहते हैं, ठीक, और सुख के लिए बाहर कोई ढूंढ रहे हैं, वो नहीं पूरा हो पा रहा। अभी जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में सूचना आती है, उसमें संबंध में अगर स्नेह का भाव ना हो, कमिटमेंट ना हो, और एक समय के बाद जब डिस्टर्ब होता है तो क्या करते हैं, फिर अपराध करते हैं। तो एक समय तक वो स्थिति एक्साइटमेंट की रहती है, फिर उसमें सुख की निरंतरता नहीं होती, निकलने के लिए कुछ करते हैं, उसमें भी लगता है कि अभी पूर्ति नहीं हो पा रही, तो अपराध में चले जाते हैं। तो या तो दूसरे के, है ना, साथ कुछ अपराध कर रहे हैं, या अपने साथ अपराध कर रहे हैं। अपने साथ कर रहे हैं तो सुसाइड तक पहुंच गए, दूसरे से अपराध कर रहे हैं, मर्डर तक पहुंच गए, और ये सब बढ़ता ही जा रहा है। मेट्रो सिटी में भी जो देखिए, जो साधन संपन्न परिवारों में बच्चों की स्थिति हो गई है, तो माँ पिताजी के पास समय नहीं है बच्चों के लिए, सभी पैसा कमाने में लगे हैं, पैसा पर्याप्त हो गया है, तो बच्चों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अभी ये पता चलता है कि हर बर्थडे पे जो बच्चों का डिमांड होता है पेरेंट्स से, वो बढ़ता जा रहा है। जहाँ बच्चे पहले खिलौने में ही खुश हो जाया करते थे, अब बच्चों को खिलौने नहीं चाहिए, गैजेट्स चाहिए, गैजेट्स आगे गाड़ियाँ चाहिए, गाड़ियाँ भी महंगी महंगी चाहिए। महंगी महंगी गाड़ियां चाहिए, उसमें भी उनको मेरी मेकिंग के लिए ग्रुप में जाकर कुछ फंक्शन करना है, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। और ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसी कंपनियां भी आने लगी हैं जो इसी चीज को प्रोवाइड कर रही हैं कि बच्चों की मेरी मेकिंग के लिए, है ना, कैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाए, उस इवेंट्स में क्या आचरण की निश्चितता होगी नहीं होगी, इसका कोई समीक्षा मूल्यांकन नहीं है। तो अभी जो होड़ लगी हुई है कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, कैसे हम स्टार्टअप प्रमोट करें, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना अच्छी बात है, स्टार्टअप अच्छी बात है, परंतु हम किस पर्पज से कर रहे हैं ये देखना भी जरूरी है। क्या हम एक्साइटमेंट को ही पोषण करने के लिए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, या एस्केप रूट्स निकालने के लिए हम इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, ये सब अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात है। तो मेयरली मानक ये नहीं होगा देश का कि हमारे देश में कितने उद्योग खड़े हो गए, कितने स्टार्टअप शुरू हो गए, बच्चों ने कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया। हमें ये भी देखना होगा कि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट का पर्पस क्या है, जो जॉब कर रहे हैं, जो हम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, वो हैप्पीनेस के टर्म्स में है या फिर एक्साइटमेंट और एस्केप के टर्म्स में है। जी, इसके विस्तार में इतना भी जाएंगे कम पड़ेगा, अखबार उठा के देख लीजिए तो यही सब भरा हुआ है ना, आधा अखबार तो इसी से भरा रहता है, किस किस तरह के अपराध हो रहे हैं, किस किस तरह से लोग संवेदनाओं से सुख पाने में लगे हुए हैं। हर न्यूज़पेपर के साथ एक सप्लीमेंट्री आता है 8 पन्नों का, उसको आप पढ़ के देखिए तो पूरा वो संवेदना मूलक ही है ना, अनुकूल संवेदना से कैसे सुखी हो जाए, उसी के लिए सारा फैशन इंडस्ट्री, उसी के लिए, है ना, इस तरह की इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चल ही रहा है पूरा। ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर उसके बगैर कम्प्लीट नहीं है, वो सप्लीमेंट्री पेज जरूरी है कि नहीं। फिर एक पन्ने पे स्पोर्ट्स का पूरा न्यूज है, उसको भी आप देखिए तो अल्टीमेटली एक्साइटमेंट का ही सारा न्यूज है, देश हमारा कहीं पस्त हो गया, कहीं ध्वस्त हो गया, कहीं, है ना, विजयी हो गया। अब ये सब क्या है, ये सब सामयिक सुख के स्रोत हमने बना लिए हैं, ठीक। फिर अपराध का रहता है 2-3 पन्ना। तो अभी ये सब चीजें अगर हम ध्यान ना दें तो बढ़ती चली जाएंगी, इसके बहुत अभी विस्तार में नहीं जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में, ठीक, उनके क्या अधिक समीक्षा की जाए, आप सभी इससे अवगत हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, तो हम ध्यान दें, सोचें इस पे। नमस्ते भैया, अभी अभी आपने स्लाइड लगाया है इसके बारे में,
मैं जब भी फीलिंग को देख लेती हूँ, इट इज रिजल्टिंग इन दैट एक्साइटमेंट और एस्केपिज्म. सो रियलिटी हर क्षण ध्यान देने से ही मिलता है, बट वी आर आई एम ड्रिफ्टिंग अवे इन दैट व्हाट यू कॉल फीलिंग ऑफ सैडनेस और एक्साइटमेंट. स्टिल आई एम लुकिंग इन टू द व्हाट यू कॉल द सेंसेशंस दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड और बॉडीली व्हाट आई गेट. सो स्टिल दैट जर्नी इज सो दिस इज वेयर आई एम. भाई जी कोई दूसरा जॉब के लिए जाए, वॉट एवर इज देयर विथ मी इट इज सफिशियंट फॉर, इफ आई कैलकुलेट दैट दैट इट इज सफिशियंट फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स, बट स्टिल आई एम गोइंग फॉर द जॉब. सी व्हेन आई स्टे बैक इन द हाउस देर इज नो इंट्रैक्शन, सो दैट स्टेट विल कंटिन्यू अंडर द प्रिटेक्स ऑफ हार्मनी. इट इज नॉट एक्चुअली हार्मनी. सो दिस इज वॉट माई रियलाइजेशन भैया. सो वेन आई कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द पीपल और इंटरैक्ट, सो मूड स्विंग्स तो होता ही रहता है. तो कैसे ट्यून करे, ये तो मेरा एक्सप्लोरेशन है, मैं जारी रख रही हूँ. वेयर आई एम हेडिंग आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग. आप ही तो जी कहते हैं जी पार्टिसिपेशन और भी ऑब्जर्वेशन और भी शार्पन करना है. शार्पन करने से ये नेसेसिटी नहीं है, ये नेसेसिटी नहीं है, ये नेसेसिटी नहीं है, वो भी दिखता है मुझे. बट इन रियलिटी व्हाट यू आर टेलिंग इज एग्जैक्टली करेक्ट. सी द न्यूज़पेपर, यू विल कम अक्रॉस दैट वन ओनली. जस्ट ऑब्जर्व, सिट फॉर योर सेल्फ, जस्ट ऑब्जर्व द इंटरेक्शन, व्हाट हैज हैपेंड इन द डे. इट विल बी लाइक दैट ओनली, बट इट इज अ रियलिटी, इट इज गोइंग ऑन. सो वेयर आई एम, अगेन आई एम इन अ व्हाट यू कॉल अ कंफ्यूजन स्टेट. I know that feeling is I am waiting for the feeling from the outside only. भैया this is my state. जी, तो आपने जो कहा, जो जितनी बात मुझे ध्यान में आ गई उससे, तो एक तो आपको लगता है कि जितना सुविधा आपने कमा लिया है वह रेस्ट ऑफ कमा लाइफ लिया के वो ऊपर तो है, सफिशियंट है, बट सफिशिएंट है। यस, बट बट यदि घर पे स्टिल आई एम बैठे हैं, गोइंग फॉर द वर्क टू हैव अ बफर. इफ आई कम टू द जी, रियलिटी आई हैव दैट आई थ्रेट. गॉट इट, लेट यस मी सर, यस रिस्पॉन्ड। सर, यस सर, थैंक यू. तो सुविधा जो आपने कमा लिया है वो आपको लगता है रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए पर्याप्त है, परंतु आप घर पे अगर बैठते हैं तो उसमें भी सुख नहीं है। बाहर जाने से कम ये तो इंटरेक्शन होता है, तो उससे कुछ अपने को आराम मिलता है। अब इसमें जो पार्ट मिसिंग है कि अगर हम अपनी भागीदारी को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो देखिए इस पूरे प्रयास के साथ, अभ्यास के साथ ये होगा कि हम सभी ये आकलन तो कर लेते हैं कि इतनी सुविधा की आवश्यकता, उससे अधिक आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद हम वहां फंस जाते हैं कि इससे आगे फिर क्या करेंगे। अगर हमको सुविधा नहीं कमाना है तो हमारे लिए हमारे पास क्या काम है। तो वह ऐसे से है, क्योंकि हमने मान लिया है कि अल्टीमेटली मेरे पास दो ही काम है, या तो मैं बाहर निकल के सुविधा कमाऊंगा या घर पे बैठूंगा। घर पे बैठने से ज्यादा अच्छा है बाहर निकल के सुविधा कमाऊंगा। सड़ जाऊंगी घर में बैठ से बट जो थर्ड बैठने से. ऑप्शन है, जी, जो थर्ड ऑप्शन है कि अब हमको दिख गया कि पर्याप्त है। तो जो बात हो रही थी कि अब मैं सुविधा का सदुपयोग करूंगा दूसरे में ज्ञान और समाधान के लिए, अपने समय का सदुपयोग करूंगा, है ना, अपने तन मन धन का सदुपयोग करूंगा मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए, टू फुलफिल ह्यूमन गोल फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। दैट ऑप्शन इज ओपन। यस इनफैक्ट दैट ऑप्शन इज ओपन. कल आपने बात किया था, आप जैसा 10 और लोगों को तैयार कर दीजिए, इसमें जी, मैं फेल हो रही हूँ. बढ़िया। हाँ, वो ठीक बात है, उसका आप मेरा एक मेरा भाव ही जिम्मेदारी तो सुनिश्चित स्वीकारिए। नहीं है. यस भैया, जी, आप अभी उस जिम्मेदारी को स्वीकारिए तो आपको चैनल्स दिखने लगते हैं। तो एक बार हमको दिख गया तो फिर हम मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करेंगे। अभी देखिए ना, एजुकेशन में इतना सारा काम हो रहा है, अभी इतने सारे एक्टिविटी चल रहे हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और गुड थिंग इज दैट कि अगर जो हमारा अपना टेक्निकल स्किल है, जिस तरह का हमारा अभ्यास है, उन सबका सदुपयोग है इसमें। अभी अगर हमको पूरे देश में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक उसको एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड बनाना हो, तो उसमें बहुत सारा स्किल का यूज होगा। ठीक, जो स्किल्स में हम पारंगत हैं उसमें कंप्यूटर्स का यूज होगा, प्रोग्रामिंग का यूज होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट होगा,
कि नहीं, कहीं पे हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होगा। अब ये बात नहीं क्यों ना चैट बॉट बनाया जाए ऐसा, जिससे जो भी लोग परेशानी में हैं उनको कंप्यूटर से ही बहुत सारा आंसर मिलने लगे, जैसे जिस तरह के आंसर अभी हम लोग दे रहे हैं है ना अभी सेशन में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी दिए जा सकते हैं ताकि एक वाइड स्प्रेड मैसेज पहुंच पाए। तो इन सारे स्किल्स का सदुपयोग है। तो जहां अभी हम ये स्किल्स को पैसा कमाने में लगा रहे हैं, इन स्किल्स को हम हर व्यक्ति में सही समझ सही भाव, हर परिवार में समृद्धि, इसके लिए भी लगा सकते हैं, लिविंग मॉडल्स को डेवलप करने में लगा सकते हैं। तो वो इसको दिखना जरूरी है, क्योंकि ये स्थिति जो आप कह रही हैं ये हम में से कई साथियों को धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा कि पर्याप्त हो गया। अगर स्पाउस भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, ठीक, तो कमाने के लिए क्यों समय लगाएंगे। अब उसका सदुपयोग करेंगे और उसमें सुख भी है। देखिए एक बार वो चैनल खुलता है ना तो हमको लगता है कि अभी तक तो हमको पता नहीं था कि इससे भी सुख मिलता है। दूसरे के साथ संबंध में सही भाव शेयर करने से भी सुख मिलता है, ये कई बार हमको ओपन ही नहीं रहता है। तो अभी हम जिस मान्यताओं के आधार पर संबंधों का निर्वाह कर रहे होते हैं उसी की पूर्ति में लगे रहते हैं। तो जो आप बात करें बिल्कुल वैलिड है। अभी थोड़ा सा ये भी हुआ है कि हम में से जो साथी सुबह के सत्र में लगातार नहीं जुड़े रह पा रहे हैं उनको कॉल किया जा रहा है और उससे वापस जुड़ ही पा रहे हैं। तो कुछ साथियों ने शेयर किया कि पहले तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बट जब मैंने कॉलिंग किया और जब शेयरिंग हुई एक है ना भाव के स्तर पे, बहुत मोटिवेटेड फील किया, बहुत अच्छा लगा। तो जहां भी हम समस्या को केंद्र में रख के विचार करते हैं उसके स्थान पर हम मानव लक्ष्य को केंद्र में रख के विचार कर सकते हैं, उसके लिए अपना तन मन धन लगा सकते हैं, ये ऑप्शन तो खुलता ही है। इस पे अपने को ध्यान देने की जरूरत है जी। मैं मतलब आपके लिए भी कहूंगा कि इसको आप थोड़ा सा सोचना शुरू करें कि कैसे हम अपना समय प्रयास इस दिशा में और लगा सकते हैं, इसके ऊपर ही काम कर रही हूं। थैंक यू। नमस्ते भैया। एक अभी एक्साइटमेंट और जो ये बात हो रही थी कि इसको एस्केप करने वाला और वो नशे वाली बात हो रही थी, तो एक मेरी पर्सनल शेयरिंग है, बहुत जल्दी से रखूंगा मैं उसे। एक्चुअली थोड़ा सा मैं झिझक रहा था रखने के लिए, बट लगा शायद किसी को फायदा हो जाए इसलिए कह रहा हूँ। भैया मेरा क्या है कि तंबाकू का मेरा रहा है हिस्ट्री, टोबैको सेशन प्रोग्राम भी मैंने ज्वाइन किया, तो 12-15 साल से रहे हैं। तो उसका क्या अपने ऊपर भी बहुत दबाव था और वो यही इसमें फिर वो मैंने जब प्रोग्राम ज्वाइन किया उसी समय ये USB2 का भी चल रहा था हमारा ऑनलाइन, तो कंटेंट के साथ टोबैको सेशन का प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया। और पहले इससे पहले कई बार छोड़ने का प्रयास किया था और चूंकि आदत बहुत पुरानी थी 14-15 साल से, तो वो क्या है कि छूट नहीं रही थी। तो डॉक्टर से की भी मैंने हेल्प ली, तो उन्होंने ये बोला कि शायद आपका कोई एंग्जाइटी भी है, तो उन्होंने कुछ एंग्जाइटी की भी मेडिसिन दी और टोबैको सेशन का भी है, कुछ चिंगम वगैरह देते हैं और सारा चीज चल रहा था। तो मेरा वो एक महीने का उनका चला प्रोग्राम और मेरा मतलब छूट गई इस चीज। तो उसके बाद में 2-3 महीने बाद में उनको, क्योंकि मैं बहुत परेशान था इससे, बुके वगैरह लेके मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया कि सर आपकी वजह से ऐसा हो गया। तो मैंने फोटो वोटो खिंचाई और बोला प्रोफेसर साहब ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन इसमें आपकी कहीं विल पावर है। अब मेरा ध्यान गया कि ये विल पावर कहाँ से आती। तो वो ध्यान आया कि शायद ये क्योंकि जो ये प्रोग्राम हम लोग ह्यूमन वैल्यू का कंटेंट भी साथ में चल ही रहा है, तो हो सकता है दिमाग में कुछ सेटल हुआ हो, तो थोड़ा सा आराम मिला होगा। एंग्जाइटी में तो आराम है मुझे भी एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है। तो मैं मतलब ये इसको इसलिए कह रहा था कि अगर किसी का इस तरह का है तो इस कंटेंट के साथ और कुछ मेडिकल हेल्प के साथ उससे निकल सकते हैं। सर मेरे को 1.5 साल हो गया और बिल्कुल मेरे चीज निकल गई है और अब मुझे मतलब खुशी होती है जब मैं किसी को बताता हूँ। पहले मैं छुपा छुपा के घूमता था किसी को पता ना चल जाए। और तंबाकू एक ऐसी चीज है सर कि वो क्योंकि समाज के जो निचले तबके को जिससे मानते हैं वो है ना, रिक्शे वाले मजदूर ये सब खाते हैं तो प्रोफेसर कैसे खा सकता है, तो उसका भी एक प्रेशर था और परिवार में भी बहुत झंझट थी। तो मैं मतलब ये कहना चाह रहा था कि अगर इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम जो भी है नशे के साथ में ये कंटेंट भी रहे तो हेल्पफुल होगा, इतना कहना था भैया। थैंक यू। जी जी बिल्कुल भैया, ठीक बात है। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे शेयरिंग आ रहे हैं कि कोई डिप्रेशन से निकल पाए, कोई अपने गलत अभ्यास से निकल पाए है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये तो है ही आवश्यकता। तो इनफैक्ट अब हम लोग ये भी सोच सकते हैं आगे कि हम में से एक एक व्यक्ति एक एक डायमेंशन में कोई जिम्मेदारी स्वीकार कर काम करे। कोई नशा मुक्ति अभियान में अगर लगा है तो इस कंटेंट को लेकर जाए, पहले ऐसे कंटेंट को वर्कशॉप के रूप में रखा जाए, फिर टेक्निक्स और स्किल्स बताया जाए। क्योंकि अभी जो बता रहे हो अधिक से अधिक टेक्निक्स या स्किल्स हैं या कुछ प्रिस्क्रिप्शन हैं,
विल पावर को बढ़ाइए, है ना, सब्स्टिट्यूट यूज करिए, ये करिए वो करिए, बट जो आदमी जिस कारण से नशा कर रहा है उस कारण पे काम नहीं कर पा रहे। अगर आदमी स्वयं में डिप्रेस्ड है, लो फील कर रहा है, तो उससे तो निकल नहीं पा रहा, उसी के लिए फिर वो सब सुविधाओं का प्रयोग कर रहा है, उस पे हम काम नहीं कर पा रहे। तो ये तो जी इसकी तो आवश्यकता बनेगी कि हमें से कोई अगर नशा मुक्ति अभियान में भागीदार रहे हैं तो वहां पे इस कंटेंट को लेकर जाए, इसके साथ पूरी वस्तु को रखें। कोई जेल में कैदियों के साथ काम कर रहे हैं तो, है ना, कोई मान लीजिए जो हैंडीकैप लोग हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, तो कोई वकीलों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये भिन्न भिन्न डायमेंशन पे अब हमको अपनी भागीदारी को देखने की जरूरत है। शिक्षा से निकल कर सारे आयामों में काम हो सकता है। जी, तो एक्साइटमेंट और स्केप, अगर इसके बीच में देखें तो कुचक्र में हम फंस जाते हैं कि हम टेम्प्रेरी एक्साइटमेंट के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हमको कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखती, फिर हम स्केप करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, अब वो स्केप भी कहाँ तक करें, कोई तृप्ति बिंदु नहीं दिखाई देता, फिर टेम्प्रेरी एक्साइटमेंट के लिए जाते हैं, तो इस प्रकार से हम इस कुचक्र में फंस जाते हैं। तो स्केप के लिए ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, है ना, या नशा करना आदि, एक्साइटमेंट के लिए फिजिकल फैसिलिटीज का कंजम्पशन, या दूसरे से भाव पाने के लिए ध्यान खींचने के लिए सुविधाओं का प्रयोग करना, तो इन सब से हम निकल कर यदि ज्ञान और समाधान के लिए काम करें, स्वयं में सही समझ सही भाव इंश्योर करने के लिए काम करें, तो उसमें तृप्ति बिंदु है, स्वतंत्रता है, निश्चितता है, निरंतरता है, ये दिखाई देता है और ये क्वाइट पॉसिबल है। इनफैक्ट सारा मुद्दा सिर्फ ध्यान देने का है। एक बार ध्यान चला जाए हमारा सही की ओर तो गलत अपने आप छूटने लगता है। ये जो गहरे गहरे संस्कार हैं उनका हम मूल्यांकन कर पाते हैं, उससे हम बाहर निकल पाते हैं। तो जितना चिंतन में हमारे भाव स्थापित होता जाता है उतने से जुड़े जो भी गलत मान्यताएं हैं उससे हम निकल पाते हैं। अपने आप को शरीर मानकर जो हमने बहुत सारी गलत मान्यताएं बना ली, है ना, बहुत सारे गलत संस्कार बना लिए अपने आप में जो हमारे भाव विचार को प्रभावित करते हैं, उससे निकल पाते हैं। सुविधा को सुख मानकर या कुछ अन्यथा मानकर कि सुविधा मतलब सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, तो क्षणिक सुख को ही जुटा जुटा कर हमको अल्टीमेटली लाइफ चलाना है, और इस तरह की बहुत सारी मान्यताओं को बनाकर हम उलझे रहते हैं बट निकल पाते हैं, है ना, सही समझ सही भाव के साथ। सो इसका समाधान क्या है, विधि क्या है? तो अभी हम एक्साइटमेंट और स्केप इन दोनों में दोलन करते रहते हैं, ठीक है। टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए गए, फंस गए, तृप्ति नहीं मिला, निरंतरता नहीं दिखी, तो फिर स्केप के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए, स्केप करने गए फिर फंस गए, तो एक्साइटमेंट के लिए कुछ प्रयास बनाए। तो ऐसा हमारे जीने में चलता रहता है, और इसके लिए अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, है ना, ऐसा भी नहीं कि इस बात को देखकर हम डिप्रेस फील करेंगे, देखो अभी हम यहाँ उलझेगा, यहाँ से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जब तक हमारे अंदर ज्ञान की पूर्णता ना हो जाए, समाधान की पूर्णता ना हो जाए, कि किसी न किसी रूप में चलता रहेगा। टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए प्रोग्राम बनाएंगे उससे थकेंगे, फिर उसके स्केप के लिए कुछ प्रोग्राम बनाएंगे उसमें थकेंगे, फिर टेम्पररी हैप्पीनेस बनाएंगे। बट इतना जरूर है कि अवेयरनेस बढ़ती जाती है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है वो घटता जाता है। जो इंटेंसिटी है इसकी, जिस इंटेंसिटी तक जाकर प्रोग्राम बनाते थे, अभी देखिए तो ना किसी को इच्छा हो जाए कि भाई मुझे स्काई डाइविंग करनी है, उसी से सुख मिलेगा। अब स्काई डाइविंग के लिए जितने भी लाख रुपए खर्च होते हो वो करना है, किसी को स्पेस टूरिज्म करना है, स्पेस में जाकर घूम के आना है तभी सुख मिलेगा। अब उसके लिए एक तो पहले वो इच्छा बनी, है ना, उसके दबाव प्रभाव में आकर अभी तो जब तक वो पूरी ना हो जाए डिप्रेस फील कर रहे हैं, फिर इसको पूरी करने के लिए उतना सारा पैसा कमाना पड़ेगा, फिर पैसा कमाने के लगते हैं, उसके लिए जो कुछ दुख भोगना है वो भोगते हैं, फिर जाते हैं उसको पूरा करके आते हैं बट जो उपलब्धि उसकी निरंतरता नहीं हुई, तो फिर इसको बार बार पूरा करना है, बार बार पूरा करने के लिए बार बार उतना ही सारा संग्रह करना होगा, तब वही कार्यक्रम बन जाता है जीने का। एक उदाहरण लिया है ना, तो एक तरह से वो एडिक्शन जैसा हो जाता है। जो संवेदना से सुख पाना है अगर इसका हम ठीक से मूल्यांकन ना कर पाए तो एक एडिक्शन जैसा हो जाता है। तो इससे जो निकलने का तरीका है वो ये है कि हम अल्टीमेटली अपने अंदर सुख को देख पाए, और सुख का स्रोत हमारे अंदर यदि स्थापित हो जाए, सुख स्वभाव के रूप में स्थापित हो जाए तो निकल पाते हैं। वो तभी हो पाता है जब हमारे अंदर ज्ञान होता है, सही भाव होता है, जिससे हमारे अंदर सुख की निरंतरता होती है, सुख शांति संतोष आनंद स्थिति में होते हैं। तो उस क्रम में हमको गति करनी है, और अच्छी बात है कि हम सभी कर भी रहे हैं। उसमें एक बात ये भी दिखाई देती है कि जब हम इस तरह के कार्यक्रमों से, जैसे मॉर्निंग सेशन है, वीकली मीटिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, इसमें कनेक्टेड रहते हैं तो हमारी गति भी बनी रहती है। कई बार लोगों ने शेयर किया कि
थोड़ा सा इसे डिलिंक हुए और फिर पुराने है ना अभ्यासों में चले गए, एक लंबा समय निकल गया, बेहोशी में चले गए, सजगता कम हो गई, उसी बेहोशी में फिर जाकर लग गया, फिर कुछ समय बाद ग्लानी हुई, फिर वहां से निकलना शुरू किया। कभी कभी लाइफ का एक मेजर फेज भी निकल जाता है उसमें, 10-10, 12-12 साल निकल गए। पहले कहीं पे ध्यान गया था, सजग हुए, समझने का प्रयास किया, फिर कहीं डिलिंक हो गए, फिर 10-12 साल निकल गए, फिर ध्यान आया, होश आया, फिर लगे उस कार्यक्रम में। परंतु यदि इन कार्यक्रम में हम जुड़े रहे तो हमारा सतत ध्यान जाता रहता है, और जब सतत ध्यान जाता है तो उसका सुख भी मिलता है, और यदि हम भागीदारी भी साथ में करते चले, दूसरे के सुख में जो हम भागीदार हो पाते हैं सही समझ सही भाव के आधार पर, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है, तृप्ति भी आती है उसकी, यहाँ ये हो सकता है, जैसे मेरे अंदर घटित हुआ वैसे दूसरे के अंदर हो सकता है। फिर हमारे अंदर जो समस्याओं को केंद्र में रख के बहुत सारा विचार चलता है, उससे हम निकल पाते हैं। तो अभी हम दो तरह से विचार कर सकते हैं, समस्या केंद्रित या समाधान केंद्रित। समाधान केंद्रित तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर सही समझ सही भाव होता है, या उसके लिए कम से कम प्रयास निष्ठा पूर्वक कर रहे होते हैं, नहीं तो हम समस्या केंद्रित ही विचार करते हैं ना? और समस्या केंद्रित करके हम खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे के लिए भी हम शिकायत से भरे रहते हैं, फिर अपने व्यवहार से हम दूसरे को दुखी करते रहते हैं। तो अगर हम स्वयं में सही समझ सही भाव के लिए काम करें, और सही समझ के बारे में दूर की स्थिति लगती है, तो सही भाव से शुरू करें, सही विचार से शुरू करें, तो हमारे अंदर ये गति बनने लगती है, जिससे हमारे अंदर सुख शांति संतोष आनंद ऐसी स्थितियां बनने लगती है। तो यही समाधान है, यही इससे बाहर निकलने का तरीका है। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। एक तो ये बात कहना है कि अभी जो आप सुख का स्रोत वाला जो ध्यान दिला है वो काफी उपयोगी था, वैसे सुना हुआ तो सारा बात था, एक बात तो वो काफी सही था। दूसरी बात जो सत्र का प्रभाव हो या जो हो वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो आपने एक प्रश्न पूछा, जो आप चैट बॉक्स में लिखिए, जो हम लोग कोई भी चीज आता है सामने तो उसको किस तरह से करते हैं, तो ये वाला भी अभी सजगता अभी अपने अंदर बढ़ा हुआ है वो चीज दिख रहा है, तो ये तो दो बात हो गई। और तीसरी बात भैया, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे मेरे बच्चे अब 21 तारीख को 5 साल के हो जाएंगे, तो कितने साल के बाद, मतलब जैसे हम ये सेशन सुन रहे हैं या हेल्थ वाला ही है या कुछ भी जो मतलब हम लोग कर रहे हैं, तो मोबाइल पर हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके भी सुन पाएंगे? अभी तो यदि उनके सामने हम सुनते हैं तो फिर उनके सामने हम मोबाइल निकालते भी नहीं है, और सुनते हैं तो हम दूसरे कमरे में सुनते, क्योंकि वो लोग फिर मोबाइल में दूसरा चीज देखने लगते हैं। ये प्रश्न है आपसे। देखिए, हम उनके साथ संवाद तो शुरू करते हैं 5 साल की स्थिति में, तो बच्चों से संवाद हो ही सकता है। आप उनसे जेन्युइन प्रश्न करना शुरू करें तो बच्चे जेन्युइन आंसर देते हैं। जी भैया, वो तो जब उस हिसाब से पूछते हैं, जैसे वो लोग पानी ही फेंक रहे हैं या कुछ भी है, जो ऐसे आप लोग समझाते हैं कि ऐसे इस तरह से जो उनमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाए, वो वाला चीज तो है, बजाय उनको डांटने धमकाने और उनको इंस्ट्रक्शन देने का, तो ये चीज तो है, लेकिन वो वाला चीज है। और कोशिश यही रहता है कि एक उस तरह से उनके साथ किया जाए ताकि उनका किसी चीज को उनसे संवाद करें। हाँ, उनसे संवाद करें इन मुद्दों पर, सुखी होना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, आप देखिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है, संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं कि नहीं। 5 साल का बच्चा रिस्पॉन्ड कर सकता है क्योंकि भाषा की पकड़ है, इसको देखें। फिर संबंध पूर्वक जीने के लिए क्या करना होगा, सुखी होने के लिए क्या करना होगा, इस पर अपना प्रस्ताव रख दें, फिर साथ में जीने का अभ्यास करें, ठीक है। उसी क्रम में जब थोड़ी और भाषा की पकड़ हो जाए तो उसमें हम ये पूरे प्रस्ताव को भी रख सकते हैं उनके सामने। 6 साल के बाद अगर देखें तो प्रस्ताव को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में भी रखने जाएंगे तो रख सकते हैं बच्चों के सामने, क्वाइट पॉसिबल है। जी, क्योंकि भैया एक चीज मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जैसे मान लीजिए हम बोतल भर रहे हैं पानी का या सफाई कर रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं, तो बच्चे उसको कॉपी करना चाह रहे हैं। जैसे अब मेरा लड़का बोला कि मैं मम्मी सभी के मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं लेकिन मैं कॉलेज में पढ़ाने जाऊंगा, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पापा जाते हैं। तो ये चीज जब वो कॉपी कर रहा है, जब मम्मी बर्तन धो रही है तो हम भी धोएंगे, या सफाई कर रही है तो हमें भी झाड़ू दे दो, तो हम उसमें सहयोग करते हैं। बोतल भर रहे तो ठीक है, हम लोग तीनों लोग मिल करके करते हैं। तो वही उसी क्रम में मेरे मन में आया कि ये स्थिति कब आएगी यदि हम उनको ये कहें कि ये चीज हम सुन रहे हैं तो तुम लोग भी मेरे साथ सुनो, तो जब ही मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा। वो मैंने बताया कि अभी भी आप उनसे व्यवहार करें और साल भर बाद आप उनके साथ सुनना शुरू करें, उनको समझ में आएगी बात, बिल्कुल समझ में आएगी। जी 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 भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सभी का धन्यवाद, नमस्ते जी। प्रशांत जी। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते।
बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। तो अभी मुझे काफी खुशी हो रही है वैसे ये देखिए। तो ये खुशी का वर्ड जो आया है हैप्पीनेस का, तो आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है ऐसा जो मानना है सभी। नॉर्मली मतलब हम जो व्यवहार करते हैं वो खुशी खुशी के साथ करते हैं। तो जैसे हम लोग टीचर है तो हमारा जो व्यवहार है वो बच्चों के साथ है या फिर मैनेजमेंट के साथ है। तो बच्चे अगर खुश हो गए तो हम खुश हो गए। इसको हम कैसा टेम्परेरी मतलब एक्साइटमेंट एस्केप वाला मानेंगे कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मानेंगे भैया प्लीज। देखिए भाई, खुशी और सुख दो अलग चीजें हैं। तो खुशी को देखें तो वो टेम्पररी ही है। तो आपकी खुशी मेरी खुशी है, हो सकता है आप मतलब दूसरा जो व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति, वो संवेदना सुखी होने में लगा हुआ है, तो उसको हम संवेदना उपलब्ध कराते रहे, तो ऐसा तो कोई निश्चित कार्यक्रम बनेगा नहीं। इसलिए सुख का स्रोत निश्चित हो, ये हमको देखना जरूरी है कि सुख का स्रोत तो ज्ञान और समाधान ही है। दूसरा व्यक्ति अभी इसको नहीं देख पा रहा तो उधर ध्यान आकर्षण कराएंगे, हम नहीं देख पा रहे तो हम ध्यान देंगे। बट इस तरह के जो फ्रेजेज है ना कि आपकी खुशी मेरी खुशी है, तो ये सब चीजें सब थोड़ा निकलने की जरूरत है। काफी संभावना है कि इसमें दूसरे की मान्यताओं को हम पोषण कर रहे हैं जिससे कुछ निकलता नहीं है। तो हम पहले तो ये देखें कि सुख का निश्चित स्रोत क्या है, दूसरे तक तो उपलब्ध कराने के लिए भी काम करें। जी नहीं मतलब थोड़ा सा इस पे चाहूंगा। जैसे हम क्लास में एंटर होते हैं, बच्चों का क्लास लेना है हमको एक 45 मिनट 50 मिनट इफेक्टिव, तो हम देखते हैं कि हमारे 1 घंटे के डिस्कशन के बाद बच्चों के चेहरे पे जो खुशी मिलती है वही खुशी हम पे रिफ्लेक्ट होती है और हम भी थोड़ा खुश होते हैं। एक आध दिन अगर गलती से कहीं गए थे और आ गए, फिर ऐसा ही कुछ तो भी असाइनमेंट दे दिया या टेस्ट ले लिया, तो उस दिन हम मतलब अपने आप को हैप्पीनेस नहीं महसूस करते। तो ये दो चीजों का डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा, हाँ, तो है ना? ये यही हुआ, अभी भी उस प्रभाव से हम सुखी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चों का टेस्ट नहीं लेंगे, जिस दिन बच्चों का टेस्ट लेंगे उस दिन भी हम सुखी रहेंगे, जिस दिन बच्चों को पढ़ाएंगे उस दिन भी सुखी रहेंगे, है ना। स्किल इम्पार्ट करेंगे उस दिन भी सुखी रहेंगे, वैल्यू पे बात करेंगे उस दिन भी सुखी रहेंगे। तो हमारा अपना सुख तो निश्चित हो, ये अच्छा अपने आप में ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, ये अगर बच्चों के स्थिति से हम प्रभावित होने लगे तो हो सकता है कि हाँ हम हाँ बच्चों मतलब की मान्यताओं के अनुकूल कार्यक्रम बनाने लगेंगे। फिर बच्चा कह रहा है कि सर टेस्ट रहने दीजिए, है ना, इससे तो कुछ नहीं निकलेगा, ये है वे, तो हम इसके अच्छा प्रभाव में आ गए। मतलब हमको हमारा प्री डिसाइडेड ही चाहिए सभी। मतलब मुझे खुश होना है कि नहीं, इट शुड बी विद इन सेल्फ, है ना भैया? हाँ, मतलब उसका स्रोत स्वयं में हो। जी स्रोत स्वयं में हो कि मुझे आज क्या करना है, मतलब बच्चों को खुश करना ही है, वो खुश हो चाहे ना हो, नहीं, मुझे तो खुश नहीं अपने आप करना में है, खुश। खुश जी भैया नहीं करना है हाँ। मुझे। स्वयं में ज्ञान समाधान सुनिश्चित करना है, मुझे बच्चों में भी ज्ञान समाधान सुनिश्चित करना है। जी, लेकिन ये सब सारी चीजें मुझे पहले अपने सेल्फ में डिसाइड कर लेना है, तब मैं सुखी हो पाऊंगा, जी हैप्पीनेस मुझे मिलेगा। जी जी धन्यवाद। नमस्ते भैया सभी को। हाँ भैया, अभी जैसे दीदी कह रहे थे कि उनका बच्चा 5 साल का है, उनके साथ ये कैसे करें, तो ऐसे ही मैं भी इस सुविधा में फंसा हूँ। मेरा बेटा 10 साल का है और बेटी 15 साल की है, तो परिवार की तरफ से और ये दबाव रहता है कि इनको आप CBSE बोर्ड में भेजो, इनको इस बोर्ड में भेजो, बच्चों को ये पढ़ाई करवानी है। और मुझे ये लगता है कि ये सब हमने जो एजुकेशन तो हमने ले ली और अभी हम ये UHV और जीवन विद्या पढ़ रहे हैं, तो इसका कैसे सामंजस्य बैठाएं, इसको कैसे करें। मैं बड़ा मतलब इस चीज से हो रहा हूँ कि बच्चों पे हम दबाव बना रहे हैं कि आपको इतने मार्क्स लाने, हालांकि मार्क्स वाला तो नहीं है मैं नहीं कहता, लेकिन उनको ये तो है ही, आप ये इतिहास पढ़ो, ये पॉलिटिकल पढ़ो, ये केमिस्ट्री पढ़ो, ये फिजिक्स पढ़ो। अभी जैसे बेटी 11th में होगी, वो कह रही मैं आर्ट्स लूंगा, कोई बात नहीं आर्ट्स लो, लेकिन पढ़ना तो यही पड़ेगा। ये बाद में जब संपूर्णता जब इस UHV में है, जीवन विद्या में है, इसको फिर कैसे ये चलेगा। जी जी भैया जी, तो इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो बच्चे को अपनी आवश्यकता की स्पष्टता हो, तो शरीर के लिए सुविधा की आवश्यकता है, स्वयं के लिए सही समझ सही भाव की आवश्यकता है। तो शरीर के लिए सुविधा का उत्पादन करने के लिए जो स्किल सीखने हो तो सीखेंगे, नहीं तो बच्चा स्वावलंबी नहीं हो पाएगा। अपनी सुविधा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर दूसरे पर निर्भर होगा तो कभी समृद्धि का भाव ही नहीं होगा उसके अंदर। तो उसके लिए तो हम बच्चे से तय कर सकते हैं बैठ के कि इसको क्या करना है, कैसे पूरा करना है। आप बताओ कि आप अपने लिए सुविधा की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करोगे, उसके लिए जो कुछ भी ठीक लगता है उसको आप करिए। तो वहां तो बच्चे को स्पष्ट हो सकता है, ठीक है ना। और सही समझ सही भाव के लिए जो करना है उसको हम करते रहे अपने आप में। ये दोनों कार्यक्रम साथ साथ चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर एक को करेंगे तो दूसरा छूट जाएगा। तो ज्ञान के लिए काम करेंगे तो सुविधा के लिए स्किल्स नहीं सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है।
और सुविधा के लिए स्किल सीखेंगे तो ज्ञान के लिए काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं, दोनों साथ साथ चल सकता है। तो अभी जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो भी स्किल्स को सीखने के लिए करने की जरूरत है उतने को पूरा कर लिया जाए, और सुविधा की आवश्यकता की स्पष्टता होती है तो उसका एक सीमा भी दिखाई जाता है कि इतना पर्याप्त हो गया। तो ये काम हम बच्चों के साथ करेंगे। अभी हम वहां फंस जाते हैं जहां पे हमको बहुत क्लैरिटी नहीं होती, तो बच्चे को हम ये भी देखेंगे कि अगर बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा पढ़ाई करते हुए जबकि समय लगा रहा है, इसका मतलब वो कहाँ ध्यान दे रहा है, इसका मूल्यांकन भी जरूरी है। वो ज्ञान के लिए काम कर रहा है या कहीं अलग ही जगह ध्यान जा रहा है। तो एक तो बच्चे के अंदर सही समझ सही भाव के लिए प्रोग्राम हम बनाएंगे, दूसरा आवश्यक स्किल्स भी सिखाएंगे, और तीसरा ये भी ध्यान देंगे कि समय का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। तो कई बार ये होता है कि जब ये बात होती है वर्कशॉप में कि कॉम्पिटिशन में नहीं जाना है या मार्क्स के पीछे नहीं दौड़ना है, ये बात हमको पकड़ में आती है, पर जब बच्चा कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा मार्क्स के पीछे नहीं दौड़ रहा तो कर क्या रहा है, इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते, तो उसका बच्चा डल हो रहा है, ज्ञान के लिए भी काम नहीं कर रहा है, तो वो भी एक ध्यान देने का मुद्दा है। तो हमें बच्चे के लिए ऐसी योजना बनानी है कि बच्चा अपने आप में गति करे, विकास करे। तो कंपटीशन ना करे तो ठीक है, बट कंपटीशन ना करे तो क्या करे, है ना। इस होड़ में शामिल ना हो तो ठीक है, बट होड़ में शामिल ना हो तो क्या करे, ये बात भी स्पष्ट होना जरूरी है। तो फिर हमको मैं की आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता दोनों को पूरा करने का निश्चित कार्यक्रम समझ में आता है। ये तो बात मतलब समझ में मतलब काफी दिनों से आ रही है कि हम बच्चों को जो चल रहा है जो कंपटीशन वाला मामला, इससे तो बच्चों को हमने दूर कर दिया, अभी आपने कंपटीशन में नहीं जाना, फिर इसको करवाए क्या। तो जैसे क्या करें ये भी तो देखना होगा ना। बिल्कुल, तो उत्पादन करने का भी हम प्रवृत्ति विकसित कर रहे हैं कि नहीं, तो बच्चे के अंदर श्रम की प्रवृत्ति भी ना विकसित हो, उधर भी ना जाए, तो अल्टीमेटली तो बच्चा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा, एक समय बाद दुखी दरिद्र हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये दो छोर दिखाई देते हैं अपने आप में निरंतर सुखपूर्वक जीते हुए, कि हम स्वयं में अनुभव तक पहुंच पाते हैं और अपनी भागीदारी में मानवीय परंपरा तक भागीदारी कर पाते हैं। तो जब स्वयं में लय स्थापित होता है, हारमोनी होती है, संगीत होता है, जिससे सुख शांति संतोष आनंद की स्थिति बनी रहती है, तो उसमें फिर ये दिखाई देता है। तो अभी हम कहीं बीच में खड़े हैं और अभी हम दोनों ओर ध्यान दे रहे हैं, एक तो स्वयं में ज्ञान की ओर और दूसरा अपने जीने की ओर, जीने में भागीदारी को बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है ताकि हम संपूर्णता में जी पाए, ताकि हमारा व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी हर क्षण सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा के अर्थ में, ये हमें प्रमाण रूप में मिलता है जब हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित होता है, समाधान सुनिश्चित होता है, ये प्रमाण के रूप में दिखाई देता है जी। तो अगर हम इस बात को और आकलन करें कि अगर इसको मेथड वन कहें तो इससे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हमको स्वयं में सही समझ सही भाव सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि हमारे अंदर निरंतर सुख की स्थिति बनी रहे। इसका मतलब इतना ही है कि हमारे अंदर सही है ना भाव स्थापित हो, और सही भाव का मतलब है कि हमारे अंदर संबंध का भाव हो, व्यवस्था का भाव हो, सह अस्तित्व का भाव हो, और उसी के आधार पर विचार चले। तो इसमें एक पॉसिबल वे है जो हम लोग अभ्यास एक और दो करते रहे कि इसको हम पूरा करें। अभ्यास तीन भी है, अभ्यास तीन में हम सहसित को सीधा सीधा देखने का प्रयास करते हैं, परंतु उसके लिए थोड़ी और तैयारी चाहिए। तो अभ्यास एक और दो को करते हुए हमारे अंदर जो भाव के प्रति सजगता बनती है, संवेदनाओं को जो हम अर्थ देते हैं उसके प्रति सजगता बनती है, इसमें गति मिलती है। तो जो हम लोग हर बार बात कह रहे हैं कि इस पूरे कंटेंट को सुनते हुए एक तो ये हमारे को एक एक शब्द का जब अर्थ स्पष्ट होता है तो वास्तविकता के बारे में निश्चित प्रस्ताव मिल पाता है, कि दूसरी बात है कि हम उसको स्वयं में जांचते हैं कि यही हमारी सह स्वीकृति है कि अन्यथा है। तीसरी बात, इसके आधार पर हम पूरे जीने का चित्रण करते हैं कि अगर ये बात हमको समझ में आ रही है, सहज रूप से स्वीकार है, तो इसके साथ मेरे जीने का स्वरूप क्या होगा। और चौथी बात कि फिर हम उसको जीते हैं, तो उस क्रम में हमारी गति बनती जाती है। तो स्वयं में जब जांचते हैं, जब स्वयं में सजग होते हैं, चित्रित करते हैं, उसमें अभ्यास एक और दो काफी उपयोगी है। इसको हम लोग अभी करते रहे ताकि हमारे अंदर संबंध का, व्यवस्था का, अस्तित्व का भाव सुनिश्चित हो। और इसको में अगर हम देखें तो स्टेप वन में जो हम प्रयास कर रहे हैं कि मेरा अब हर निर्णय सही भाव के आधार पर हो, संबंध के आधार पर हो, व्यवस्था के आधार पर हो, अस्तित्व के आधार पर हो। ऐसे अभ्यास दो में स्टेप सिक्स में हम जो प्रयास कर रहे हैं कि अब मेरे अंदर जो भी निर्णय हो रहा है वो इन्हीं भावों के आधार पर हो,
जो भी संवेदना को लेकर मैं निर्णय ले रहा हूँ इन्हीं भावों के आधार पर, तो ये काम हमको अपने आप में करते रहने की जरूरत है। हम लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं बट इसको और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। एक समय के बाद आपको दिखाई देगा कि अब मुद्दा तो सिर्फ ध्यान देने का रह गया, शब्द हमने बहुत सारे सुन लिए, बहुत सारी इसकी समीक्षा करी, विवेचना करी, विश्लेषण किया, अब वस्तु को देखने की बारी है, जैसा है वैसा देखने की बारी है, उस भाव में स्थापित होने की आवश्यकता है। ऐसा आपके अंदर धीरे धीरे एक पात्रता बनने लगती है, उसकी तैयारी बनने लगती है। तो एक्सरसाइज वन में हमने भाव को देखने का अभ्यास किया था, एक्सरसाइज टू में हमने इस बात को देखने का अभ्यास किया था कि जो शरीर से मिलने वाली संवेदना है उसको हम किस प्रकार अर्थ देते हैं, क्या हम उससे प्रभावित हो जाते हैं या अप्रभावित रहते हैं। तो स्टेप फाइव में अगर आप देखें, हमने विधिवत उसको 9 स्टेप्स में और उसको बांट बांट कर देखा था कि किस प्रकार मैंने संवेदना को पढ़ा, किस प्रकार मैंने उसको अर्थ दिया, उस अर्थ के आधार पर कैसे मैं प्रभावित रहा, प्रभावित हुआ या अप्रभावित रहा, और कैसे मैंने फिर निर्णय लिया। ये बात अपने आप में ऑब्जर्व करने की, और हमको ये अभ्यास करना है कि मेरे अंदर हर क्षण जो ये अर्थ देना है वो सही समझ के आधार पर हो, ना किसी मान्यता के आधार पर। एक्सरसाइज थ्री में देखें तो हम सीधे सीधे सहअस्तित्व को देखने की बात कह रहे हैं, सबमर्जेंस को देखने की बात कर रहे हैं कि मैं शून्य में संपृक्त हूँ, है ना, और मेरे अंदर जो सुख की निरंतरता होगी वो इसी सहअस्तित्व को देखने के साथ हो पाएगी, उससे कम में सुख की निरंतरता नहीं है कि नहीं। उससे पहले संबंध का चिंतन करते हुए, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित करते हुए हम उस दिशा में गति कर रहे होते हैं, परंतु निरंतरता तभी हो पाती है जब सहअस्तित्व के अनुभव तक पहुंच पाते हैं। तो हमको ये दिखाई देता है कि मेरी जो आवश्यकता है मेरे ही ज्ञान से पूरी हो जाती है और मैं शून्य में संपृक्त हूँ, हर क्षण बना हुआ हूँ। तो शून्य में बने रहते हुए मेरी आवश्यकता की पूर्ति की पूरी संभावना बनी हुई है, उसका प्रोविजन बना हुआ है, और मुझे सिर्फ देखना है, सिर्फ ध्यान देना है। ये तीन अभ्यास हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। उसमें अभ्यास तीन के लिए थोड़ी और पात्रता विकसित करने की जरूरत है। अभ्यास एक और दो पे जितना हम इंटेंसिवली काम करेंगे उतना ज्यादा हम अभ्यास तीन के लिए प्रवृत्त हो पाएंगे, बट ये काफी काम है। इसमें हमने इस अभ्यास को भले ही कई बार कर लिया हो बट ये पूरा हो गया ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे भाव के प्रति सजग होना जो अभ्यास एक का स्टेप वन है, अभी उसी में बने रहने में हो सकता है हमें कई वर्ष लग जाए, पॉसिबल है हमारी सजगता हट जाती है भाव की तरफ से, हम विचारों में बह जाते हैं, खो जाते हैं, या निर्वाह में ही बह जाते हैं, खो जाते हैं। इसलिए ये बात हो रही है कि हम मॉर्निंग सेशंस को, वर्कशॉप्स को, मीटिंग्स को अटेंड करते रहें और साथ में भागीदारी करते रहें, तो उसके लिए एक आवश्यकता बनी रहती है। जब आप किसी के सामने कोई बात को रख रहे हैं तो जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न फिर आपके अंदर भी खड़े होते हैं, और उनके उत्तर को जो आप देखते हैं तो स्पष्टता की आवश्यकता महसूस होती है। वैसे आप 10-20 लोगों के साथ फैल कर निर्वाह कर रहे हैं, किसी भागीदारी कर रहे हैं, तो उनके साथ संबंध में अगर सुख सुनिश्चित नहीं हो रहा उसको भी लेकर आप अपने अंदर खोजबीन करते हैं, जांच परख करते हैं, इससे आपके आगे गति बढ़ती है। तो इसके आधार पर कुछ होमवर्क है, रिफ्लेक्शन है हमारे लिए। लिस्ट डाउन द मेथड्स यू हैव बीन ट्राइंग टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, आल्सो मेंशन देयर अचीवमेंट्स। तो अभी जो भी हम सुख को बनाए रखने के लिए तरीके अख्तियार करते रहे उनका एक लिस्टिंग करने की जरूरत है, अभी क्या क्या हम प्रयास करते रहे, है ना। कुछ प्रयासों को हो सकता है हमने जस्टिफाई भी किया हुआ हो कि हाँ भाई म्यूजिक में क्या प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कह रहा हूँ कि म्यूजिक है ना ठीक नहीं है, बट हो सकता है हमने म्यूजिक से सुख पाने का एक अभ्यास बना लिया है और उसको कई प्रकार से जस्टिफाई करते हैं। हो सकता है किसी का गजल सुनने का अभ्यास हो, किसी का रॉक म्यूजिक सुनने का अभ्यास हो, किसी का शास्त्रीय संगीत सुनने का अभ्यास हो। अब हमने एक स्रोत बनाया हुआ है, उसको हम जस्टिफाई भी करते हैं, उसको हम बहुत लंबे समय तक बनाए भी रखते हैं, परंतु हम उसको विस्तार से देख नहीं पाते, गहराई में देख नहीं पाते। उसे क्या उपलब्धि हुई उसको देखना है। किसी को खाने पीने का कोई शौक हो, किसी को पहनने ओढ़ने का शौक हो, घूमने फिरने का शौक हो, हमने मान ही लिया है भाई ठीक है इतना तो बनता ही है, किस लिए कमा रहे हैं, या इससे कम में जिएंगे तो लाइफ तो नीरस हो जाएगा। ये भी एक मेजर लॉजिक है जो चलता है कि फिर तो लाइफ बिल्कुल मोनोटोनस हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, इसमें बचेगा क्या लाइफ में। कई बार लोग भी कहते सुनाई देते हैं कि भाई ये जिंदगी तो प्याज है, छिलका दर छिलका उतारते जाओ, हम पे कुछ बचता नहीं है। तो हमको लगता है कि ये जो छिलके हैं यही तो उपलब्धि है, इसको भी छोड़ दिया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, अल्टीमेटली बचेगा क्या कि नहीं। तो हमको उनकी लिस्टिंग करनी है और देखना है कि उसकी उपलब्धि क्या है। फिर हमको है ना
ये भी देखना है कि इन मेथड्स में क्या हमको सुख की निरंतरता की संभावना दिखाई देती है, अगर हाँ तो किस प्रकार, और इस तरह के जांच परख से हम क्या कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि सुख हमारा स्वभाव है या सुख बाहर का ही कोई प्रभाव है। ये भी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। कम से कम अगर हमको यही दिख जाए कि सुख तो स्वभाव है, भले अभी मैं प्रभाव से सुखी होने का प्रयास कर रहा हूं, तो कम से कम एक रास्ता खुला। नहीं तो हम ये मान ही लेते हैं कि सुख तो प्रभाव ही है, ये जो बाहर से मिलने वाला है। समय तो घुप अंधेरा है, पता नहीं क्या है, अंधकार ही अंधकार है ना, रहस्य ही रहस्य अंदर, जो कुछ भी है वो बाहर से मिलने वाला है, तो हम उसी में लगे रहते हैं। इन सब के अध्ययन के साथ, सारे प्रयास के साथ हम अपना एक इनडेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी जो हम समस्याएं देख रहे हैं विश्व भर में, समाज में, उनके मूल कारण क्या है, ठीक है, और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स क्या हो सकते हैं, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो समाज के स्तर पर तो हमको बहुत सारी समस्याएं दिख रही हैं, परंतु समस्याओं के मूल में क्या है वो हमको देखने की जरूरत है। तो काफी कुछ है, अगर ये चार पॉइंट्स को देखें तो काफी सारा काम है, बट हम किसी एक मुद्दे को ठीक से करें। जैसे पहला ही जो पॉइंट है कि अभी तक हम जो भी सुख पाने के स्रोत मानते रहे हैं उसकी लिस्टिंग करें और उसमें देखें उसके पीछे हमारे अंदर क्या तर्क है, क्यों उसको पूरा करने जाते हैं, उसको निगेट ना करें स्टेप वन में कि इसको गलत कहना है, ऐसा नहीं। अगर देखें तो मैं उसके लिए क्यों जाता हूँ, मेरे पास के लिए कोई समाधान है कि नहीं। अगर मैं तनाव में हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं जो सुविधा का प्रयोग करता हूँ तनाव से निकलने के लिए, अगर मैं उसको भी रोक दूँ, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई स्मोकिंग करता होगा जब तनाव में होगा, अब ये तो लग रहा है कि स्मोकिंग करना तो भाई बाहर से कुछ पाकर सुखी होना है, बट तनाव की स्थिति में क्या करे, स्मोकिंग भी ना करे तो क्या करे, ये हमको पता नहीं है, तो छूटे है कैसे। अधिक से अधिक ग्लानी होगी, देखो मैं फंसा हुआ हूँ, बट हम ये तो देख पाए कि तनाव से निकलने का रास्ता क्या है, वो नहीं देखेगा तो ये फिर जो बाहर की ओर भागना ही रुकेगा ही नहीं, बस एक अंदर ग्लानी रहेगी कि हाँ गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, कई साल लगा दिए परंतु जीने में परिमार्जन नहीं हो रहा, परंतु उससे क्या हुआ। या किसी गुटखा का अभ्यास हो तो हम देखें इसको, किसी का कोई ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अभ्यास हो, देखें उसको, उसकी लिस्टिंग करें और उसकी उपलब्धि को हम देखें अपने आप में। तो ये चारों पॉइंट्स वैलिड हैं, इसको हम लोग करें आज, परंतु इसमें से किसी एक को लेकर हम विस्तार से कर सकते हैं। कम से कम जो लिस्ट बनाने वाला काम है इसको हम कर लें अपने आप में। भैया नमस्ते, वो एक उस लाइन में ये पूछना चाह रहे हैं कि घर में किसी संबंधी से स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही थी, तो उसी में उस बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो इतना योगा है, मेडिटेशन है, हम लोग हेल्दी फूड खाते हैं, लेकिन अमेरिका के लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो मेरे पास इसकी सूचना नहीं थी। वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप लोगों के पास तो बहुत है कि क्या इंडिया के लोगों के स्वास्थ्य से अमेरिका के लोग जो जंक फूड खाते हैं और ड्रिंक करते हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं। जी अभी उस पर देखिये सूचना तो हम लोग एकत्र कर सकते हैं, उसके लिए आप गूगल करेंगी तो सूचना मिल जाएगी। अभी अपने ऊपर ध्यान देना है कि अभी मुझे स्वास्थ्य के लिए क्या काम करना है। अभी क्या ध्यान हमारा फैलता रहता है, अभी जो सजगता अपने भाव में रखनी है ना, उसको सुनिश्चित करें, जो सुविधा को अर्थ दे रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाए। बाकी सूचना तो जो भी मैं इसमें उत्तर में कहूंगा तो गूगल के पास भी है। जी भैया जी, सर्च मैंने किया था लेकिन हो सकता है कि वो मेरा वे गलत हो। नहीं भैया, लेकिन आपका प्रस्ताव ठीक है, इसको कर सकते हैं। मन मेन कहने का मतलब कि मुख्य मुद्दा से भटकना नहीं है जो हमारा मुख्य काम है, और सूचना वाला काम हम अन्यत्र भी स्रोत से ले सकते हैं। जी समय तो हो चला है, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।